हाय भैया, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टाइटल्स की जिनका यूज हम टीचर के लिए कर सकते हैं। इससे पहले भी यानी कल हमने टाइटल्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने टीचर को उम्र के हिसाब से बांट दिया है। अगर टीचर यंगर है तो उन्हें क्या बोला जाता है, और अगर टीचर ओल्डर है तो क्या बोला जाता है। खासकर इनका यूज जो होता है वो स्कूल में ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं मैन टीचर की। अगर मैन टीचर है और वो अगर यंगर एज में है तो फिर हम उन्हें बोलते हैं सर, और वहीं पे अगर वो ओल्डर एज में है तो भी हम उन्हें बोलते हैं सर। यानी दोनों ही केस में, चाहे मैन वाला जो टीचर है वो यंगर हो या ओल्डर हो, दोनों ही केस में हम सर बोलते हैं। लेकिन जब बात करते हैं वुमन टीचर की तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर वुमन टीचर है और उनकी एज यंगर है तो फिर बोलते हैं, आपने बच्चों के मुंह सुना होगा, वो बोलते हैं मिस। और वहीं पे अगर टीचर ओल्डर एज में है और वुमन टीचर है तो फिर हम बोलते हैं, यानी बच्चे लोग बोलते हैं मैडम। इसी मैडम को आप बोल सकते हो मैम, एम ए। यहाँ पे इस डी को एपोस्ट्रोपी, ये जो साइन लगा रहा जो कोमा ऊपर लगाते हैं उसे बोला जाता है एपोस्ट्रोपी। तो ये एपोस्ट्रोपी जो साइन है ये डी को शो करेगा और बाद में बचता है ए एम। इस तरह से ये हो जाता है मैम। मैडम कहो या मैम कहो, बात दोनों ही एक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको टीचर के लिए जो टाइटल यूज होते हैं उनके बारे में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।